फ्रेंड्स, आइए आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में समझते हैं। इस टेंस के अंतर्गत वही सेंटेंस आते हैं जिसके एंड में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे का प्रयोग होता है। यह टेंस ऐसे वाक्यों को शो करता है जिसमें कि एक्शन शुरू हो चुका है और वो फ्यूचर में कभी ख़त्म होगा, या ऐसा कोई कार्य जो कि भविष्य में ही शुरू होगा और भविष्य में ही ख़त्म होगा। अब इन दोनों एग्जांपल्स में आप देख पा रहे हैं कि दोनों एक्शंस भविष्य में समाप्त हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी एक्शन के फ्यूचर में ख़त्म होने की बात करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो एंड तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे से करते हैं, पर फिर भी वो भविष्य को रेफर नहीं करते बल्कि पास्ट की ही बात करते हैं, और पास्ट में किसी हम अनुमान लगाते हैं कि ये काम पास्ट के अंदर हो चुका होगा, पर श्योर नहीं होते। अब इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि फ्यूचर की तो कोई बात ही नहीं हो रही बल्कि पास्ट की बात की जा रही है। इन सेंटेंसेस में हम विल हैव की जगह वुड हैव या मस्ट हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी एक्शन के होने की संभावना कम हो तो हम वुड हैव का प्रयोग कर सकते हैं, और किसी एक्शन के ख़त्म होने की संभावना ज़्यादा हो तो हम मस्ट हैव का प्रयोग कर सकते हैं। Thank you.
फ्रेंड्स, कभी कभी ये सेंटेंस हमको प्रेजेंट परफेक्ट की तरह लगते हैं, परंतु ऐसा नहीं है।